आज हम जानेंगे कि बल्क व्यापार में प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले आप www.bulkvyapar.com सर्च करें, उसके बाद वहां पे लॉगिन का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करें और अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करें। लॉगिन होने के बाद राइट साइड हेडर में नेम विद आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करें, फिर डैशबोर्ड पे टैप करें। अब आपके सामने आपकी कंपनी का डैशबोर्ड ओपन हो गया होगा। अब आपके लेफ्ट साइड बार में मैनेज प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसे आप क्लिक करें। उसके बाद आपको दो ऑप्शन आ रहे होंगे, ऐड प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट लिस्ट। अगर आपने पहले से ही किसी प्रोडक्ट को ऐड कर रखा है तो आपको प्रोडक्ट लिस्ट में आपके प्रोडक्ट दिखेंगे, आप वहां से उसे एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप सिंपली ऐड प्रोडक्ट को क्लिक करें। कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके सामने आएगा। फॉर्म में पहला ऑप्शन प्रोडक्ट नेम का है, तो आप अपना प्रोडक्ट नेम इंटर करें। और ध्यान रखें कि प्रोडक्ट नेम इंटर करते वक्त कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज ना करें, वरना आपका प्रोडक्ट ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में परमालिंक आ रहा है। परमालिंक को आप अपने किसी भी क्लाइंट को, पर्सन को उस प्रोडक्ट का लिंक शेयर करके डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट इमेज। अपने प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी की इमेज आप सेलेक्ट करें और वहां पर अपलोड करें। नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइस। आपके प्रोडक्ट का क्या प्राइस है उसे वहां पर एंटर करें। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है यूनिट। तो आप अपने यूनिट को सेलेक्ट करें कि आप लीटर में देते हैं उसे या ग्राम्स में देते हैं, तो आपका यूनिट टाइप क्या होता है उसे आप सेलेक्ट करें। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, MOQ, मींस कि आप कितने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को लेना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपने बायर से जिसे आप डिलीवर करेंगे, उसे वहां पर एंटर करें। नेक्स्ट स्टेट है, आप किस स्टेट से इस प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे उसे सेलेक्ट करें। नेक्स्ट होगा टाइप। टाइप मींस कि आपका प्रोडक्ट सॉलिड है, लिक्विड है या किस फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, तो आप उस टाइप को वहां पर एंटर करें। नेक्स्ट ऑप्शन है कलर। आपका प्रोडक्ट किस कलर का है आप कलर एंटर करें। पैकेजिंग नेक्स्ट ऑप्शन है, तो पैकेजिंग में आपको ये लिखना है कि आप किस तरीके से आप उस प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, पैकेजिंग उसकी क्या होती है, किस तरीके का बबल पैकिंग होता है या नहीं होता, तो आप वहां पर एंटर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यूजेस। यूजेस मींस कि आपका प्रोडक्ट किस यूज में आता है उसे वहां पर आप एंटर करें। नेक्स्ट ऑप्शन है यूट्यूब एम्बेड लिंक। अगर आपने अपने प्रोडक्ट का कोई भी वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया है तो आप सिंपली उस वीडियो का लिंक, एम्बेड लिंक, आप यहां आके पेस्ट कर सकते हैं। एम्बेड लिंक कॉपी करने के लिए आपको सिंपली अपने वीडियो को यूट्यूब में प्ले करना है, राइट क्लिक करके वहां पर कॉपी एम्बेड लिंक का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपका लिंक कॉपी हो जाएगा और उस लिंक को सिंपली यहां आके पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन। आप अपने प्रोडक्ट का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप यहां पर लगा सकते हैं। ऊपर तो आपने बेसिक डिटेल डाल दिया जिससे आपके कस्टमर को चीजें समझ आ जाएंगी, लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपने कस्टमर को बताना चाहते हैं जिससे वो और अट्रैक्ट हों और आपसे जल्दी जुड़ने के लिए कोशिश करें, तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में यहां पर बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड माइक्रो कैटेगरी। मेन कैटेगरी मींस कि अगर आपका प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है तो आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट करें। अगर आपका प्रोडक्ट मेडिसिन के रिलेटेड है तो आप ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल सेलेक्ट करें, तो आप अपना मेन कैटेगरी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सब कैटेगरी। सब कैटेगरी आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने मेन कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद। और अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपकी जो सब कैटेगरी है वो यहां पर नहीं है, तो आप सिंपली ऊपर क्लिक हियर टू एंटर न्यू कैटेगरी का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप अपना कैटेगरी एंटर करें, सब कैटेगरी एंटर करें और फिर सेव में क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली वहां पर आपका सब कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगा। सेम अब आपको माइक्रो कैटेगरी में भी वही काम करना है। अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर आपका कैटेगरी नहीं मिल रहा है माइक्रो कैटेगरी, तो आप क्लिक हियर टू एंटर न्यू कैटेगरी में क्लिक करें और आप अपने माइक्रो कैटेगरी का नाम इंटर करें और सेव करते हैं, वो फिर से ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको बहुत ही करेक्ट माइक्रो कैटेगरी, मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके बायर की जो रीच है, आपके प्रोडक्ट की जो रीच है आपके बायर तक, वो इन्हीं से पहुंचेगा। तो आपको ये बहुत सेलेक्टिव रखना है, जो आपको लगता है कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट इसी में फॉल कर रहा है, तो आपको उसी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है कि आपके बायर को समझ आ सके। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है फीचर टाइप एंड फीचर इनपुट। तो आप फीचर टाइप में आप बता सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट का साइज क्या है, आप एडिशनल जो भी फीचर डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं वो आप सिंपली यहां पर ऐड बटन को क्लिक करके इस तरीके के रोज ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका फीचर कैटेगरी यहां पर नहीं है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो आप सिंपली क्लिक हियर टू एंटर न्यू फीचर में क्लिक करें, आप अपना फीचर टाइप एंटर करें, सेव बटन क्लिक करें, फिर वो आपके लिस्ट में शो होने लगेगा, फिर उसका फीचर इनपुट भी आप उसके बगल में सेव कर सकते हैं। अब ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आप उसे एक बार रीचेक करें और सेव बटन में क्लिक कर दें।
अब डायरेक्टली आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज में। दैट मींस कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इंटर हो चुका है। अगर आपको रीचेक करना है तो आप एडिट में क्लिक करके प्रॉपर डिटेल फिर से देख सकते हैं, और अगर आपने कोई भी गलती करी है तो आप वहां से एडिट करके उसे दोबारा सेव कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपके बायर को आपका प्रोडक्ट बल्क व्यापार में कैसे दिखेगा, तो आप सिंपली आप सर्च बार में जाएं और वहां अपना प्रोडक्ट का नाम एंटर करें और सबमिट कर दें। आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग वहां पर आ जाएगी। वहां से आप देख सकते हैं कि आपके बायर को आपका प्रोडक्ट का लिस्टिंग किस तरीके से दिखेगा। साथ ही ये जो प्रोडक्ट है वो आपके कैटलॉग में भी एंटर हो गया होगा, आप अपने कैटलॉग पे भी जाके उसे देख सकते हैं, और अपने किसी भी बायर या भी किसी भी अन्य पर्सन को आप इस चीज को शेयर भी कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट के डिटेल को देख सके। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि कैसे आप प्रोडक्ट इंटर कर सकते हैं बल्क व्यापार में और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बल्क व्यापार के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।